जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गुप्त। हम कई बार अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा, बहुत मेहनत इसे करूँगा, पसीना बहाऊँगा, फिर भी कई बार अगर इच्छा पूरा नहीं हो पाती तो निराश में पड़ जाते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सी गुप्त है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, जिससे हमारी सारी इच्छाएं, सारे मनोरथ है पूरा हो जाएंगी? तो चलिए हम वचन में देखेंगे एक बार। भजन संहिता 37 का अध्याय और उसके 4 के पद में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर की स्तुति हो इस वचन के लिए। देखिए कितना आसान है। परमेश्वर बोल रहा है अपने सुख का मूल जानो। आपका सुख जो भी है वो परमेश्वर की ओर से रहना है। हर एक चीज़ में आप आनंदित रहो। अगर हम अंग्रेजी बाइबल में देखते हैं तो उसमें रहता है कि खुश रहिए, हमेशा आनंद रहिए, परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहिए और परमेश्वर को अपने ज़िंदगी के सुख का मूल जानिए। तो क्या होगा, वो मूल जानने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो परमेश्वर की ओर से पूरा हो जाएंगी और आपकी सारी इच्छाएं हैं वो उसमें परिपूर्णता प्राप्त करेंगी। तो इस वजह से आपका जो भी सुख है वह परमेश्वर में जानिए और मानिए कि आपके सारे सुख का मूल सिर्फ यहोवा ही है। और जब जानेंगे कि हर एक सुख का मूल यहोवा है, तब आपके सुख की कोई कमी नहीं होगी और आपके सारे इच्छाएं इतने पवित्र होंगी क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होंगी। क्योंकि आप हर एक चीज़ में, हर एक सुख में उसका मूल आप जानते हैं कि वो यहोवा की ओर से है, तो हमेशा परमेश्वर के राह में शांति, पवित्रता और बहुत सारे आनंद रहती है। और जब आप उसके सुख में आप संतुष्टि पाते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं और आपकी सारे मनोरथें पूरे हो पाएंगे। परमेश्वर का वादा है ये। आज के दिन आप इस वचन को उठाकर प्रार्थना पे रखिए और देखिए आपके सारे इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। और हर एक जगह में आप जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर को अपने सुख का मूल रखिए। बोलिए चाहे इस दुनिया में जो भी सुख हो, मेरा सुख का मूल मेरा यहोवा है, मेरे सुख का मूल मेरा परमेश्वर खुदा है, उससे मेरे को प्राप्त होती है हर एक सुख, उससे मुझे प्राप्त होती है हर एक मेरी ज़िंदगी में आशीष। अगर आप ऐसे बोल पाएंगे, अगर आप ऐसे कह पाएंगे अपने मुंह से, तो आपसे बढ़कर और कोई आपके ऊपर राज नहीं कर पाता, क्योंकि आपके ऊपर राज करने वाला तो राजाओं का राजा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमेन।